बाबा ने आज कहा, उमंग उत्साह से समस्या भी समस्या नहीं लगती। जब बहुत उमंग उत्साह होता है ना, खुशी होती है, खुशी होती है। अब जैसे कोई आउटिंग पे जाना है, कितना देखा जाए तो एक हेक्टिक हो जाता है, कहीं भी जाना होता है तो फिर, लेकिन वो उमंग उत्साह है तो वो इतना हेक्टिक भी लगता नहीं। ये इतना खाना बनाओ, ये चीज ले जाओ, ये सब शॉपिंग करो, पर खुशी तो, खुशी भी, खुशी जब होती तो बड़ी बात छोटी हो जाती है। और दूसरा, मनोरंजन फील होती है। तो इसलिए समस्या, इसलिए समस्या लगती है क्योंकि खुशी नहीं है, तो वो समस्या लगती है, नहीं तो समस्या नहीं लगती है। टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाते, ठीक है ना, ये इतनी तो चैलेंज होना ही है, जैसे कहीं जाना भी है तो पता है कि इतना तो हेक्टिक होना ही है, ये सब लाइन में लगना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, लेकिन पता है तो वो चैलेंज नहीं लगता है, तो इसलिए वो एंटरटेनमेंट लगता है। तो कभी भी कोई भी बात में उमंग उत्साह, खुशी हो, उमंग उत्साह किस बात का, बात ऐसी रोंग, और बाबा कहते बच्ची उमंग उत्साह, उमंग उत्साह कौन सी बात का, कि ये बस ये क्लियर हो, क्लियर होगा बाबा मेरे साथ है, ये और ये एक नया अनुभव है। क्योंकि जैसे ज्ञान से क्या हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है ना, बात वही है, उमंग उत्साह, चलो इसमें मुझे एक नया अनुभव हुआ, ये भी सीखने को मिला, उसमें लॉस भी हुआ पर ये भी सीखने को मिला, तो वो उमंग उत्साह होगा। जब एटीट्यूड वही रहता है ना, तो फिर, और दूसरा बाबा ने कितना अच्छा उसमें बताया, बीमार भी है तो क्या हो, फ्रूट है, एक होता है चलो वो जैसे फ्रूट बोलने के लिए, लेकिन क्या फ्रूट की फीलिंग से फ्रूट की तरह वो काम करेगा, डॉक्टर्स बताएंगे। मेरा संकल्प है कि ये तो फ्रूट है, तो फ्रूट है, बहुत प्यार से उसको खा रही हूँ, और एक है दर्द है, क्या मेरा बताओ, दोनों में ट्रीटमेंट का जो इम्पैक्ट है किसमें ज्यादा होगा, अंडरस्टूड है, मेडिकली प्रूव्ड, सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं हमारे। तो बाबा इसलिए कहते वही चीज है, एटीट्यूड चेंज कर दो तो उसका फ्रूट का इफेक्ट होगा, संकल्प से सृष्टि है, यही हमारा फॉर्मूला है, फ्रूट है, फ्रूट है, फ्रूट कर, हेडेक है, हेडेक है, दवाई नहीं है मेरी, हेडेक है, तो खाना तो पड़ ही रहा है। हाँ वो अलग बात है कि हम टूवर्ड्स बिना दवाई के लिए भी जो करना है वो करते रहे, बट अगर जो करना है उसमें हमारी मेंटेलिटी, तो इसलिए भी क्या वर्क है, हर बात में उमंग उत्साह, मैं आत्मा बाप के अति सम्मुख, ये फीलिंग आज तो बाबा ने कहा ना, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, हो सकता है 20 बार, 10 बार 2 बजे के पहले, 10 बार 2 बजे के बाद, 20 बार, अभी से कितने, 2-3 बार तो हो गया ना, और 15 बार कर लो, चूज करो, जब नीचे उतर रहे हो ना तब एक बार कर लो, गाड़ी में बैठ रहे तब एक बार कर लो, ऐसे स्पॉट्स चूज कर ले अपना, तो भी इजी है। ठीक है, ओके जी, तो ये पुरुषार्थ करना है, करेंगे सभी, कलकत्ता, बॉम्बे, इंदौर।